हे गाइस वेलकम बैक टू वी लर्निंग मैं प्रिया बर्नवाल और आज हम यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स की एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी ओके सो या वीडियो कई दिनों बाद आई है अपलोड कर रही हूँ मैं कई दिनों बाद द रीज़न वॉज आई वॉज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव बट फाइनली कोविड लॉस्ट एंड आई वॉन ओके सो तो फिर अब सारा कुछ फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है आपका यूट्यूब एंड Teachment पे जो हमारा फुल कोर्स चल रहा है वो भी मैं कंटिन्यू करूँगी जल्द ही ओके okay. तो खैर काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में आज की क्लास में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी एग्जाम के लिए सी मैंने लास्ट प्रीवियस एट इयर्स एट इयर्स के पेपर्स को एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आए एग्ज़ाम के लिए जो आपके 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगी ओके अभी हम ओनली टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है सी बिकॉज होता क्या है इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ यूजीसी नेट का पेपर थोड़ा वास्ट है प्लस अगर आप चाहो कि आप कुछ स्किप करके निकल जाओ तो इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि ये कहीं से भी क्वेश्चंस पूछते हैं ओके okay, और ये बेटर है कि हम सारा कुछ डेप्थ में जाने सो so दैट जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो सामने वाला स्टूडेंट हमसे कुछ भी पूछे हम प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकें राइट right? तो सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं बट यहाँ मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी जो सीरियल वाइज़ में बताऊँगी कि किससे कौन से क्वेश्चन uh, ज़्यादा उठ कर आते हैं कौन से टॉपिक से जिसपे आपको ज़्यादा फोकस करना और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई करनी है ओके okay, वो बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के और मैं बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स ही क्यों लेकर आई क्योंकि थोड़ा सा लोगों को थी प्रॉब्लम बच्चों को मुझे कई बार पूछा भी है कि भाई बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ सकते क्योंकि थोड़ा पेचीदा हो जाता है कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमने नहीं पढ़ी हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च ये सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी होती हैं पहल हो पढ़ा हुआ है हमने पहले से तो थोड़ा सा हो जाता है ट्विस्टेड ये तो इसलिए मैं अभी आपके सामने ये यूनिट लेकर आई हूँ जो आपका फिफ्थ यूनिट है अगर आप सिलेबस में देखोगे ना तो ये फिफ्थ यूनिट में आता है तो चलो देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है एग्जाम के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए ओके okay? सी अभी पहले तो बात करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जनरल क्वेश्चन आते हैं आपके बिल्कुल जनरल क्वेश्चन <coughs> जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे कैरेटरिस्टिक्स पूछेंगे अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड या रिग्रेशन को रिलेशन इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज की भाई फ़ीचर्स क्या हैं आपको नॉलेज प्रॉपर डेप्थ नॉलेज इन सब चीज़ों की लेनी पड़ेगी को रिलेशन रिग्रेशन इन सब की डेप्थ नॉलेज होगी तभी आप कर पाओगे क्योंकि प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत क्वेश्चन उठ कर आते हैं ओके okay. एंड फार्मूलाज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ में ये लोग मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देते हैं uh, कि भाई मैच करो इसका वो uh, एक एक साइड ना लिस्ट वन में लिस्ट वन में सारा आपको नाम दे, दे देंगे और लिस्ट टू में आपको फार्मूलाज दे, दे देंगे ऐसा करके तो आपको उसमें मैच करना होगा तो फार्मूलाज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बहुत अटपटे तरीके से भी फार्मूलाज आते हैं बहुत ही अलग तो फार्मूलाज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि फार्मूला मैंने आपको पूरा बहुत बहुत ज़्यादा फार्मूलाज थे और मैंने एक जगह उसको एक्मिलेट करके पी डी एफ़ फ़ाइल बना के आपको टेलीग्राम पर दे रखा है तो आप टेलीग्राम पर देख लेना फार्मूलाज आपको वहाँ से मिल जाएंगे ओके और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उन फार्मूलाज़ पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं तो एक बार ही आपको फार्मूला आ गया तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो वैसे ही सॉल्व कर लोगे राइट फार्मूला आ गया और प्रॉपर्टीज़ पता चल गया कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं तो आप खुद से कर लोगे सॉल्व तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछते हैं ये अब अरिथमेटिक मीन या मीडियन इन सब का या बेस थ्योरम हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन सब का मेरिट क्या है क्यों ये फायदे क्यों हमें पढ़ना है मेरिट्स क्या है डी मेरिट्स क्या है कहाँ ये लैक कर रहे हैं ओके okay, अगर कोरिलेशन में कुछ कमी रह रही है तो क्या कमी रह रही है तो मेरिट्स एंड डी आपको पूछ देते हैं कई बार असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस अब देखो यहाँ जो मैंने आपको इतना बताया ना ये वाली चीज़ें मतलब ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ फार्मूलाज मेरिट्स एंड डी ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जैसे मैंने बोला है जनरल क्वेश्चंस ये बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है आपको इसमें कुछ नहीं करना ठीक है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है प्रॉब्लम आती है आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में वो तो भाई हमेशा ही आती है बट बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का मैं बताऊँ मैं डरा नहीं रही बट मैं रियालिटी से भी आपको दूर नहीं रखूँगी असर्शन रीजनिंग का पर्सनली मुझे जैसा लगा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ना थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है जो मतलब समझ में नहीं आता कि भाई ये रीज़न उसी का है क्या ऐसा करके तो उसके लिए आपको क्या करना है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं डेप्थ में करना है जिससे क्वेश्चन आए तो आप इजीली क्रैक कर पाओ तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते ही हैं हर बार आए हैं मैं बता रही हूँ मैंने एट ईयर्स के एनालाइज़ किया है क्वेश्चंस को तभी मैं आपके पास ये सारा डेटा लेकर आई हूँ और वो एट उन एट ईयर्स के क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन तो थे ही हर साल थे और ट्विस्टेड थे बिल्कुल तो वो आप अच्छे से देखोगे और एम जितना ज़्यादा लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाओ आपके लिए बेस्ट रहेगा जिससे कि आपको असर्शन रीजनिंग कैसे करना है ना वो आप कर पाओगे क्योंकि कन्सेप्ट तो बच्चों के क्लियर हो जाते हैं इनफैक्ट मैं अपना बताऊँ मेरा भी वही हुआ था मेरे कंसेप्टस क्लियर थे लेकिन जब सॉल्व करना हो क्वेश्चंस तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है ना वो नहीं हो पाता तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको बार बार एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तभी आप असर्शन रीजनिंग बेस्ट दे पाओगे ओके okay. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तो ये आपका सीरियल वाइज मैंने टॉपिक्स बताया हुआ है कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो नंबर वन पे है उससे थोड़ा कम वाला आपका नंबर टू पे है और इस तरह से आपका मैंने बाइफकेट किया हुआ है देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका किससे आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड क्वार्टल डेविएशन ओके okay. इन सब से आपका ज़्यादा क्वेश्चन आता है डिस्पर्सन स्क्यूनेस स्क्यूनेस वो किधर झुका हुआ है कितना डिस्पर्स है कितना डेविएट कर रहा है मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन समझ रहे हो वो चीज़ें डिस्पर्सन में जो आती हैं आपकी तो मेज़र्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन स्क्यूनेस इन सब से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इनफैक्ट हर एग्ज़ाम में ना हर अटेम्प्ट में आपका तीन से चार क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इससे इस टॉपिक से अब कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे तो इससे ना मोस्टली आपके प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में प्रॉपर्टीज़ पूछ लेंगे या फिर शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाता है आपका शॉर्ट प्रैक्टिकल सी मैं लिख देती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं एक तो प्रॉपर्टीज़ पूछ लेंगे आपको प्रॉपर्टीज़ पूछ लेंगे और दूसरा क्या करते हैं आपको न्यूमेरिकल आ जाता है इससे तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा तो वो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर करके कर लोगे फार्मूलाज अगर आपके पास हैं तो आप न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व कर लोगे सेकंड जो है वो फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये मैंने एकदम बाइफ एकदम अच्छे से क्यों एक्सप्लेन करके लिखा है फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज़ क्योंकि ये हर बार रिपीट होता है और यही पूछते ही हैं कोरिलेशन रिलेशन रिग्रेशन से ना यही पूछते हैं और कुछ पूछते ही नहीं और इधर उधर का कुछ नहीं आता सिर्फ या तो क्योंकि देखो इससे क्या है ना कोरिलेशन से आपको हाँ कोरिलेशन से आपको एक्चुअल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन वो खैर बाद में है लेकिन कोरिलेशन से आपका क्या होता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से न्यूमेरिकल बहुत कम आता है बहुत ज्यादा नहीं आता न्यूमेरिकल मेनली फॉर्मूलाज या प्रॉपर्टीज पूछते हैं तो वो आपको अच्छे से कर लेना है थर्ड है आपका उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग अभी ना अभी फोर टू फाइव इयर्स में और जब से आपका आ, ये आया एन आया है और सिलेबस चेंज हुआ है तब से हाइपोथेसिस टेस्टिंग से डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है एवरी ईयर पूछ रहे हैं और बहुत ट्विस्टेड और हाइपोथेसिस टेस्टिंग सबके लिए न्यू भी है क्यों क्योंकि अल्फ़ा एरर बीटा एरर ये सारा बहुत ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में जाकर पढ़ते हैं बट डेप्थ में नहीं होता तो इसलिए डिफिकल्टी आती है फिर पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया आपका कैसे टेस्ट होते हैं एनोवा टेस्ट जेड टेस्ट टी टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट मानविटनी टेस्ट ये सारा कुछ आपको अच्छे से करना है इसमें तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको डेप्थ में पढ़ने, पढ़ना होगा ओके okay. बहुत ज़्यादा रिपीट कर करके देखना होगा सारा कुछ क्वेश्चन अप्लाई करके देखने होंगे पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैसे होते हैं उनके सारे प्रॉपर्टीज़ देखने हैं पैराेट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के नाम भी याद रखने क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे आपका एकदम ऐसे पूछ देते हैं भाई टी टेस्ट बताओ किस में आता है पैरा में या नॉन पैरामेट्रिक में इस तरह का क्वेश्चन ओके okay. तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी बहुत पूछते हैं और अल्फ़ा बीटा एरर तो आता ही है तो वो आप अच्छे से कर लो ओके okay? अब ये जो तीन टॉपिक्स हैं इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं इसको आपने अच्छे से कर लेना है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग अब सैंपलिंग में आपको मेन क्या पढ़ना है सैम्पलिंग के मेथड्स एंड एरर्स आपको अच्छे से करने हैं ओके okay? अब ये थोड़ा आपका रिसर्च uh, वाला पार्ट हो जाता है राइट right, क्योंकि सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये सारी चीज़ें रिसर्च वाला थोड़ा बहुत पार्ट हो जाता है तो इसमें आपको मेथड्स देखने हैं प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी और उसके अंदर भी जो सब पार्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर भी जो आपके सब पार्ट्स हैं वो आपको करने हैं अच्छे से मीनिंग देखने क्योंकि भाई स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग Uh, ये सारा कुछ तो हमेशा ही पूछते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होता है तो वो आपको अच्छे से करना है एरर्स आपको अच्छे से करना है एक्चुअल एरर स्टैंडर्ड एरर एक्चुअल एरर स्टैंडर्ड एरर का ना आपका फार्मूला भी है और इससे आपका न्यूमेरिकल uh, भी आता है तो सैम्पलिंग एरर्स में आप न्यूमेरिकल uh, उसकी मीनिंग देख लोगे अच्छे से फॉर्मूला पढ़ लोगे ओके okay, ये चीज़ें आपको करनी है सैम्पलिंग एरर्स में अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिसर्च एंड डेटा कन्सेप्ट अब रिसर्च एंड डेटा कन्सेप्ट तो रिसर्च तो आपने पेपर वन में भी पढ़ा है इसमें आपको कंसेप्ट मेनली पढ़ने हैं कितने टाइप के रिसर्च होते हैं उनके अगर सब पार्ट्स हैं तो वो भी पढ़ो रिसर्च के डिज़ाइंस भी हमें पढ़ने हैं इसमें कितने तरह के रिसर्च होते हैं ये सारी चीज़ें पढ़नी है एरर्स देखने हैं और अब डेटा की अगर मैं बात करूँ तो डेटा कंसेप्ट में डेटा कलेक्शन क्या है डेटा को और कैसे क्लासिफाई किया हुआ है चार्ट्स डायग्राम बार ग्राफ ये सारी चीजें आपको डेटा में पढ़नी है ओके डेटा कंसेप्ट में मेनली तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है अब नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आपका वही फिर से जब एनटी आया है ना जब से हमारा तो एंटी ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन करता है अब उसमें मेन वो क्वेश्चन कहाँ से देता है पता है आपको नॉर्मल बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ बताओ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ अप्लाई होता है ओके okay, कब ऑकर करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है ये तीनों तो अच्छे से क्लियर कर लेना क्यों ना आपको उसके लिए रिपीटेड वीडियोस देखने पड़े बार बार करना पड़े क्योंकि मैं खुद बताऊं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूं मैंने खुद कई सारे वीडियोस देखे थे क्योंकि मेरा बाइनोमियल एंड पॉइजन नहीं क्लियर होता था तो वो आप जितनी वीडियोज़ देखनी है जितना टाइम लगाना है लगा के अच्छे से पढ़ो अच्छे से कम्प्लीट करो क्यों क्योंकि एग्ज़ाम में तो अटैम्प्ट करना ही है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमें ऐसा पढ़ना है कि आप दूसरे को पढ़ा सको वरना फिर इस पढ़ाई का फायदा ही नहीं है राइट right. तो अच्छे से पढ़ो जितना भी टाइम लगे और अभी हमारे पास टाइम भी है तो अच्छे से टाइम दे करके ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट क्लियर करना फिर आता है आपका बेस थ्योरम बेस थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कई बार बहुत ज़्यादा नहीं आया आपका बेस थ्योरम से क्योंकि ये एक सिंपल एक थ्योरम है तो इससे थोड़ा बहुत मतलब दो तीन बार अब तक का जो एट इयर्स का मैं एनालिसिस बता रही हूँ तो थोड़ा बहुत आया है इससे स्टर्ज रूल का भी वही सेम केस है बेस थियोरम या स्टर्ज रूल दोनों ही का वही आ, है ठीक है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं बट हाँ आपको पढ़ने हैं मैंने क्या बोला आपको मैं सीरियल वाइज बता रही हूँ कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है तो ये जो है ना ये चीज़ें इनको आप मिसलेनियस टॉपिक्स में डाल सकते हो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ अच्छे से पढ़ना है और अगर इसमें सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो वो है आपका नॉर्मल बाइनोमियल एंड पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिटेल में पढ़ना होगा ओके आई होप आपको समझ आ गया हो तो इस तरह से आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन करनी है अब ये एक शॉर्ट वीडियो थी बिल्कुल जिसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया कि हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कैसे पढ़नी है और सिर्फ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ही नहीं मैं तो बोलूँगी सारे यूनिट्स के आप ऐसे करके बाइफिकेशन करके निकाल लो कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि पता है आपको होता क्या है हम पढ़ाई तो करते जाते हैं भाई डेडिकेशन फुल है लेकिन हमें पता ही नहीं होता पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए हम खुद को भी नहीं एनालाइज़ करते और ना क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करते हैं तो भाई खुद को एनालाइज़ आप तभी कर पाओगे जब आप क्या क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करते हो तो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करो और देखो आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग स्कड्यूल बनाओ और अपनी प्रिपरेशन करो ओके तो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स तो फर्स्ट टॉपिक है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन क्यूनेस राइट उन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी आपको अगर ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता हो तो गिव अ थम्स अप लाइक कर देना वीडियो को और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना सो so दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए ओके okay? और मेरा टेलीग्राम चैनल है एक टारगेट नेट जे आर एफ विद वी लर्निंग सारे पी डी एफ्स एम सी क्यूज़ भी मैं वहाँ करवा रही हूँ एम सी क्यूज होता है कॉमर्स का एंड पेपर वन का दोनों का तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो सारे एम सी क्यूज एंड पी डी एफ्स के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हो हाँ अभी कोविड के वजह से मैंने स्टॉप किया हुआ था बट मैं उसको जल्द ही कंटिन्यू करूँगी क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगा ओके okay. क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स के डेट आ गए हैं और इसका भी हो जाएगा तो अगर आप फुल कवरेज कोर्स लेना चाहते हो मेरा कॉमर्स का तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड बने रहो यूट्यूब चैनल वी लर्निंग के साथ स्टे ट्यूट स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ स्टे एट होम ओनली मास्क पहनो सेफली रहो ओके थैंक यू कीप लर्निंग